कोई चौंकाने वाला नाम नहीं। भजनलाल जी शर्मा बरसों तक महामंत्री रहे, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है। अच्छा, सबसे पहले राठौड़ साहब एसटी, फिर जो है वो यादव, अब जो है शर्मा, इसके बाद जो है डिप्टी सीएम एक राजपूत वर्ग से, फिर इसके बाद जो है वो ओबीसी वर्ग से, क्या समीकरण है मोदी के? देखिए, समीकरण जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर है। जो कर्मशील कार्यकर्ता है उनको मौका मिलता है पार्टी का, यही तो इस पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मैजिक है, इसीलिए तो है। अच्छा, राजस्थान का अब जो है वो जो मुखिया होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट को लेकर के, तो क्या गृह मंत्रालय किसके हाथ में जाना चाहिए? देखिए, अब ये बातें मुख्यमंत्री जी से पूछिए आप। बहुत बहुत शानदार फैसला, बहुत जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो व्यक्ति जिसने गरीबी को अपने जीवन में अपने पास से देखा है, आम आदमी की जिंदगी जिया है और आम आदमी की दुख तकलीफों को जो समझता है, उसको मौका मिलना बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा, कानून व्यवस्था वापस बहाल होगी, पूरी उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।